भी हमारे थे नहीं, तो उन्होंने दे दिया। तो सामने से ऐसा उतर का था कि महाभारत में भी कृष्ण भगवान ने कर्ण को छल से मारा था ऐसा, तो उसके पास मेरा जवाब नहीं रहता। तो जब मैं होलिस्टिकली लाइक कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा देखता हूँ, तो अगर मोहनदास करमचंद गांधी उनको बोलेंगे, जैसे बहुत लोग बोलते भी कि मैं महात्मा नहीं मानता उन, और उनके पास उनका रीज़न होता है। तो जब मैं पूरी तरीके से देखता हूँ, तो जब महात्मा बोलूँ या नहीं बोलूँ, मतलब वो जो वो एक खटक सी होती है, अगर पॉजिटिव और एस्पेक्ट नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली, समझ नहीं पाता कि कंक्लूड कहाँ करूँ अगर उनके व्यक्तित्व को मैं डिफाइन करना चाहूँ या जो भी। उसके अलावा बोलते हैं कि वो जैसे अगर वो संत थे या पॉलिटिशियन थे, सबसे पहले तो ये बताओ, क्योंकि अगर वो संत थे तो पॉलिटिक्स में क्या कर रहे थे, और अगर वो पॉलिटिशियन थे तो संत बनने का ढोंग क्यों कर रहे थे। तो मैं पढ़ा और मैं एक कंक्लूजन पर कभी आ ही नहीं पाया, तो थोड़ी क्लैरिटी चाहिए थी वो ना ये सब। और आम आदमी के पास कपड़े लगते आ गए, खाना पीना आ गया है, शिक्षा आ गई है। ज़रा आज से ठीक 100 साल पहले के भारत में जाना, 1922 के भारत में, और 100 साल पहले के ब्रिटेन को सोचना, जहां कभी सूरज अस्त नहीं होता था, जिन्होंने जर्मनी को एक नहीं 2 बार परास्त करा था। और क्या चाहते हो कि वो हिंसा करवाते? ये जो भारत के भूखे नंगे दुर्बल दरिद्र लोग थे, इनसे कहते सड़क पे आ जाओ, अंग्रेजों को मार के भगा दो? स्वयं भारतीय क्या तैयार थे इसके लिए? अंग्रेजों की हुकूमत चल कैसे रही थी? अंग्रेजों के दम पर सत्ता के शीर्ष पर भी भारत में अंग्रेज कुल कितने थे? कौन चला रहा था फिर ब्रितानवी हुकूमत भारत में? भारतीय ही चला रहे थे ना, वो भारतीय जो इतने भूखे नंगे थे कि पेट की खातिर कुछ भी करने को तैयार थे। भगत सिंह को फांसी दी, और फांसी देके उनकी लाश के 100 टुकड़े करे किसने? एक भारतीय ने करे थे, और एक बोरे में भरकर चुपचाप लेकर जला दिया। कौन करने वाले थे? ब्रिटिश कर रहे थे ये सब कुछ। भगत सिंह के खिलाफ मुकदमा भी जिन्होंने लड़ा वो कौन थे? अंग्रेज थे? वो भारतीय थे। आप बात करते हो उन क्रांतिकारियों की जिन्होंने हिंसा का मार्ग चुना, उनकी संख्या कितनी थी, और उन क्रांतिकारियों की भी मुखबिरी करके उनको लगातार पकड़वाता कौन था? भारतीय पकड़वाते थे ना। क्या भारतीयों की उस वक्त यह हालत थी कि आप कहें कि एक जन आंदोलन होगा वो भी हिंसक हो सकता था? क्या आज आपको लगता है कि क्यों नहीं कर दिया, क्यों नहीं कर दिया, ऐसा कर देंगे? खाने को रोटी नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, 100 तरह के अंधविश्वासों में लिपते हैं, जात पात और गंदगी के नर्क में डूबे हुए हैं, उनसे कैसे आंदोलन करवा लेते भाई? क्या बातें कर रहे हो? धीरे धीरे करके उनसे। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भकलोल डॉक्स में। आज हम बात करेंगे श्री श्री 1008 आचार्य प्रशांत जी के विषय में, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है और मेंटोर है, एक स्पिरिचुअल टीचर है, गुरु है, और अलग अलग विषयों पर अपना ज्ञान देते रहते हैं। तो उन्हीं के इसमें बात करेंगे। तो इनकी हमने एक वीडियो देखी, जो एक सेमिनार रहता है, उसमें किसी लड़के ने इनसे पूछा कि गांधी जी के बारे में बताओ। तो ये गांधी जी के बारे में बताते हैं, तब बताते हैं कि भारत में लोग पिछड़े थे, भूखे नंगों का देश था, इस प्रकार से बात कर रहे हैं। मतलब जब तक आप भारत को 2-3 गाली ना दे दो, क्या ऐसा कहीं नीचा दिखाने वाला बात मत ना कर दो, तब तक आपकी कोई बात पूरी नहीं हो जाती। ऐसा बार बार बताना पड़ता है कि भारत में भूखे नंगे लोग थे, इसलिए अंग्रेज आए हैं और गांधी जी ने अहिंसा के दम पर आज़ादी दिलाई, इस प्रकार की बात कर रहे। ठीक है, आप गांधी के विषय में बात कर रहे, लेकिन भारत के लोगों को नंगे भूखे बोलकर क्या साबित करना चाहते हो कि किसको खुश करने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हो आप? भारत सफीरों का देश था, आपकी नज़र में दिक्कत है, आपकी पढ़ाई में खोट है, तब आपको भारत के लोगों में अनपढ़, जातिवाद, ये वो लंदर फंदर आपको सब दिख रहा है, लेकिन एक काम की चीज़ें नहीं दिख रही है। जब भारत में मुगल आए, क्या भारत भूखों नंगों का देश था तब मुगल यहाँ आक्रमण करके यहाँ लूटने के लिए आए थे? अंग्रेज काहे के लिए अधिकृत किए थे, भारत को कब्जा क्यों करना चाह रहे थे? लूटने के लिए तो आए थे अंग्रेज भी, तो यहाँ भूखे नंगों के देश में क्या वो समाज सेवा का काम करने आए थे? यहाँ भूखे नंगे लोगों को NGO के माध्यम से खाना खिलाने आए थे, जीवन जीना सिखाने आए थे? नहीं ना। तो ये बार बार हर बात में भारत भूखों नंगों का देश है, सफीरों का देश है, जब अपने ही लोग ऐसा बोलेंगे तो बाहर वाले की तो बात ही छोड़ दो। ये इनकी मानसिकता ऐसा है कि जब गांधी पैदा हुआ तब हमारा देश में भूखे नंगे थे लोग, तो गांधी ये भूखे नंगे लोगों के साथ जो खादी पहन रहे हैं, तो मैं कैसे सूट बूट पहन के जाऊं? तो वो कपड़ा त्यागा भूखे नंगों के साथ रहने के लिए। किसी व्यक्ति को मतलब ये बता रहे कि किसी व्यक्ति के ऊपर बुराई है तो उसकी अच्छाई भी होगी, तो
वैसे तो हर व्यक्ति में बुराई के साथ साथ अच्छाई होगी, कुछ ना कुछ तो अच्छाई होगी। जैसे बंद बंद घड़ी पे भी दो टाइम सही बताता है, उस प्रकार से हर व्यक्ति में अच्छाई हो सकती है। तो एक आदर्श पुरुष नहीं माना जाएगा ना, वैसे दो तीन अच्छाई को आदर्श पुरुष नहीं माना जाएगा। तो ये प्रयास कर रहे हैं कि अरे ठीक है, आपको गांधी के विषय में आपको उससे कई मतभेद होंगे नहीं होंगे, लेकिन भारत के विषय में क्या बोलने का, भूखे रंगों का देश था जहाँ सारी दुनिया भारत को लूटने का प्रयास कर रही थी, लेकिन फिर भी भारत भूखे रंगों का देश था। हमें तो आज तक समझ नहीं आया कि गरीबों के घर में कौन चोरी करने जाता है। कभी सुना है कि गरीबों के घर में चोरी हुई? कभी भी महल और बड़े हवेली में चोरी होती है, बड़े बड़े घरों में चोरी होती है। जिसके घर में कुछ रहेगा उसी के घर में चोरी करेगा ना इंसान, गरीब के घर में क्या चोरी करेगा? जब भूखे रंगे का देश था भारत, तो यहाँ अंग्रेज क्या डैश करने आए थे? मुगल क्या डैश करने आए थे? तो इस प्रकार का बात, अपने आप को एकदम स्पिरिचुअल गुरु, एकदम आपको कुछ नहीं करना है, दुनिया का सबसे आसान काम करना है, दुनिया का सबसे आसान काम करना है, आपको माइक पकड़ना है और उपदेश देना है लोगों को, ज्ञान पेलना है सिर्फ, और खुद ही के बात को कहीं कॉन्ट्रेडिक्ट कर देना है। पहले खुद बोल रहे हैं भारत भूखे रंगों का देश था, फिर बोल रहे हैं कि भारत की टेक्सटाइल बहुत अच्छी थी। जब भूखों का नंगों का देश था तो टेक्सटाइल कहाँ से अच्छी हो जाएगी? यहाँ के लोग रोटी के लिए अंग्रेजों के गुलाम थे, बोल रहे हैं रोटी के लिए अंग्रेजों के गुलाम थे। इनकी इनकी थिंकिंग सोचिए, अंग्रेजों पैसा बाहर से लेके आके यहाँ चला रहे थे। इनकी थिंकिंग सोचिए, अंग्रेज गुलाम इसलिए कर पाए क्योंकि यहाँ भूखे नंगे लोग थे, यहाँ खाने के लिए पैसा नहीं था, अंग्रेजों ने आके उनको जॉब दिया। कौन सा पढ़ के आ रहे हो, ये कौन सा तर्क के हिसाब से पढ़ के आ रहे हो? कौन आपको ये स्पिरिचुअल गुरु कुछ भी बकचोदी करने के लिए वो दे दिया? अलग लेवल का है। यहीं के रिसोर्सेज को यूज करके यहीं लोगों को जॉब दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग भूखे नंगे थे। ये तो ऐसी इनकी पढ़ाई है। अब मैकॉले को पढ़ेंगे, विलियम जोन्स को पढ़ेंगे, हाँ, तो ऐसे ही बच्चे निकलेंगे। और जो अपने आप को सो वेल एजुकेटेड, ये यहाँ से वो, हर चीज़ का इंसान को हर चीज़ का ज्ञान नहीं होता। उसी प्रकार आपको आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो हर विषय में ज्ञान पेलना ठीक नहीं है। आप आध्यात्मिक ज्ञान पेल रहे हो वो ठीक है, लेकिन अपने आपको एकदम एजुकेटेड बताने के लिए भारत के लोगों को भूखे मंगे बोलना जरूरी नहीं है। बस धीरे से ऐसा बैठ जाना है और धीरे से हल्की आवाज में बोलना है, ये ऐसा है तो भारत के लोग भूखे नंगे थे, इस कारण गांधी जी ने यहाँ आके, कभी उन्होंने तो चाहा नहीं कि वो महात्मा बने, ये बने वो बने। ये व्यक्ति जीते जीते तो कभी नहीं चाहा, लोग उनको मरने के बाद महात्मा बना दिए वो अलग बात है। जैसे पहले महात्मा गांधी बोल ही नहीं रहे थे जीते जी उनको, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि ये ऐसा व्यक्ति है जो अपने चरित्र को लिख के गया, अगर जो है वो लिख के गया तो क्या करें, चरित्र को लिख के गया तो बहुत बड़ा, आप घर में नंगे हो तो बाहर भी नंगे दिखाओगे लोगों को, ये आपकी सोच है। नहीं, वो निडर था, निडर था तो निडर तो कोई रेपिस्ट भी होता है, कल जाके कन्फेस करता है तो क्या उसको बरी कर दे? तो कन्फेस कर दिया बोल के खुद से आके, किसी भी चीज को प्रयोग का नाम देने से सही नहीं हो जाती चीजें। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान वाली बात है। कई बुराइयां थी लेकिन उसमें कुछ अच्छाइयां भी, लादेन में भी अच्छाई थी, तो अपने लोगों के लिए तो कर ही रहा होगा वो, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर रहा होगा अपने लोगों के लिए। तो ये तर्क देना बंद करिए कि कुछ ना कुछ तो अच्छाई होगी तो अच्छाई को लेना। ये तो वही वाली बात है, कोई मेरे घर में घुसा है, मेरी बहन का रेप किया है, उसके बाद उसको जान से नहीं मारा, तो मैं ये देखूंगा पॉजिटिविटी, चाहता तो जान से मार सकता था, ये पॉजिटिविटी देखूंगा मैं। या तो कोई मेरे घर में घुस के आया और दो थप्पड़ मारा मेरे को और मेरे घर पे कब्जा कर लिया और मेरे को साइड में जमीन पे चटाई बिछा के वहां सो जा बोल दिया, तो क्या ये खुश हो जाऊं कि पॉजिटिव? वो चाहता तो मेरे को घर से धक्के मार के भी निकाल सकता था, लेकिन साइड में जगह दिया बोल के, ये पॉजिटिविटी सोच रहे हो? ये कौन सी पॉजिटिविटी, हमें समझ नहीं आती। ये जो नकारात्मक चीज से भी पॉजिटिविटी निकालने का, जो ये ना समाज को एक नपुंसक बनाने का तत्व है, ये सब जो चीज़ों में से पॉजिटिव निकालने की बात करते हैं ना, वो समाज में एक नपुंसकता को बढ़ावा देते हैं ये लोग, कि समाज में लोग सहनशील बनते जाए और नपुंसक बनते जाए, कि आपके साथ बुरा हो रहा है तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो अच्छाई होगी ना, जैसी बात है। जबरन में जहाँ अच्छाई नहीं है वहाँ भी अच्छाई खोजवा रहे आपको। तो ऐसे मानसिक दिवालियापन व्यक्तियों से बचे, और ये मैनिपुलेटर होते हैं जो, मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये तो सही बोल रहा है तर्क के हिसाब से, वितर्क और खुद ही के बात पे कॉन्ट्रेडिक्ट करते हैं ये। अभी ये बात बोले फिर थोड़ी दूर जाके उपदेश देने में कोई बात नहीं है, उसमें अमल करना बहुत बड़ी बात होती है। जो खुद ही अमल नहीं कर पा रहा है वो दूसरे को उपदेश दे रहा है। उपदेश देने में कोई भी दे सकता है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। हर चौक में बैठा आदमी उपदेश दे सकता है, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है कि उपदेश देना कोई वो है। हर आदमी उतना ज्ञान जानता है,
जितना ये बता रहे हैं। तो कुछ ना ऐसा, आपको ऐसा बैठ जाना है, धीरे धीरे बोलना है ताकि लोगों को लगे कि ये बहुत एजुकेटेड व्यक्ति है और एकदम धीरे से, एकदम हम्बल व्यक्ति, एकदम शालीनता के साथ बोल रहा है। उस प्रकार से बोलना है आपको, हड़बड़ हड़बड़ नहीं बोलना हमारे टाइप के। हम तो क्या प्रोफेशनल स्पीकर नहीं है इसलिए हम हड़बड़ हड़बड़ बोल रहे हैं, बाकी प्रोफेशनल रहते तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और ऐसे वैचारिक मानसिक दिवालियापन व्यक्तियों से दूर रहें जो कि आपके भी मस्तिष्क में ऐसे कुछ वायरस डाल देंगे जो कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है वाला बात करते हैं इन लोग। है जिसके घर में कुछ नहीं है आप उसके यहाँ भी चोरी कर सकते हैं, खुशियों की चोरी, ऐसी छोटी छोटी चोरी करते जाओ, चोरी लार्ज बनाते जाओ भाई, व्हेन आई मेक इट लार्ज रियलिस्टिक, लगाते जाओ ऐसे बक चोरी करते जाओ, समझे, व्हेन आई मेक इट लार्ज, अभी मैं बड़ा बना नहीं, बड़ा बनना बाकी है, अभी ऐसी बड़ी बक चोरियाँ करनी बाकी है। तो इस प्रकार का चल रहा है स्पिरिचुअल गुरु के नाम से, सारे विषय का ज्ञान है उनको सारे, आप इसरो में बैठा दो इसरो का बता देंगे, नासा में बैठा दो नासा का प्रोग्रामिंग कर देंगे वो, कहीं और बैठा दो कहीं और कर दो, ये हर काम कर सकते हैं मुंह से। बकैती तो करनी है, मुंह से तो हर काम कर सकता है ना आदमी यार, मुंह से करने में क्या उद्देश्य, सबसे आसान काम है देना, बैठ के लोगों को ज्ञानी तो पेलना है ना, और खुद ही कुछ भी बोलना है, अपने बाप को प्रूफ करना है बस, कैसे भी करके करना है प्रूफ, उसके दिमाग में प्रश्न चिन्ह डालना है, उसको कहीं सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचाना है अपन, अगर अपन से प्रश्न पूछा कोई व्यक्ति, वो भी तो धूरी व्यक्ति है जो अपने से, जो खुद किसी चीज़ को पढ़ के एक निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा है, वो हमसे पूछने आ रहा है कि इसका निष्कर्ष क्या होगा, तो उससे बड़ा चूतिया व्यक्ति हम किसी को नहीं मानते। तो वैसे ही धुर धपाट लोग वहाँ आते हैं जो खुद ही पढ़ चुका है उसका इतिहास, तो ये खुद एक अपना एक एनालाइज नहीं कर पा रहा, अपने इसका मस्तिष्क इतना नहीं है कि जो पढ़ा है इसको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये खुद से एनालाइज नहीं कर पा रहा है, मतलब ये आदत हो गई ना इनको कि दूसरे की कही सुनी बातों को सच मानने की, तो ये अंदर से कहाँ जाएगा ये रोग, अगर कोई बता दिया तो उसके पीछे दौड़ के चले जाना, हाँ यही परम सत्य है बोल के, अपने से कभी विश्लेषण नहीं करना है, अपने से कभी अवलोकन नहीं करना है चीज़ों का, बस मैं पढ़ा हूँ लेकिन आप हमें बता दीजिए कि, झाड़ बराबर नहीं पढ़ा है हम बता रहे हैं, अगर पढ़ा होता ना तो खुद ही आदमी अवलोकन कर लेता है, ये दूसरे को चाहते हैं कि ये हमें पढ़ के बता दे, ये वैसे ही लोग हैं जो कुकू एफएम में लगा के अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, लगा के कोई स्टोरी सुन के बहुत बड़ा विद्वान, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है, खुद से अवलोकन करना पड़ता है कि कहाँ क्या चीज़ें बैठ सकती है और क्या नैतिकता के हिसाब से चलती है और क्या नैतिकता के हिसाब से नहीं चलती है, ये खुद से अवलोकन नहीं कर पा रहे, तो वाकई में मानसिक तौर पर भूखे लंगों का देसी था ये, आज भी कुछ भूखे लंगे घूम रहे हैं, हालांकि शिक्षा के हिसाब से अपने कहीं कहीं की डिग्री लेके बैठ गए हैं, रट्टू तोता तो है और ज्ञान झाड़ बराबर का नहीं है, वो बोल रहा है कि मैं पढ़ा हूँ लेकिन मेरे को पता नहीं क्या पढ़ा हूँ, आप विश्लेषण बताइए कि मैं ये सुना हूं, ये पूछने आया वो, उसकी दुविधा ये है जीवन में किस दिशा में चल रहे हैं, हमें लगता है देश वाकई संकट में है, ऐसे लोगों को देख के तो लगता है कि और डबल संकट मत ला दे लो, ऐसे बकचोदिया करके कुछ अलग ही लेवल का चल रहा है, हाँ हम ब्रह्मास्मि, मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलता, वेरी प्रैक्टिकल, यहाँ टेम्परामेंट की, साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी है, यहाँ भूखे नंगों का देश था, यहाँ जातिवाद के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर भारत पिछड़ा रहा है, लेकिन हमने पहले ही बताया कि गरीबों के यहाँ ही लूटे जाते हैं घर, गरीबों के घर ही लूटे जाते हैं, अमीरों के घर नहीं लूटे जाते, पैसे वालों के घर नहीं लूटे जाते, गरीबों के घर चोरी की जाती है, अंग्रेज यहाँ आए थे किस लिए आए थे आपको नहीं पता, आप लोग अंग्रेज लूटने नहीं आए थे, यहाँ भूखे नंगों को रोटी खिलाने आए थे, वहाँ से पैसा लेके आके यहाँ अपन को जॉब दे रहे थे, हमारे यहाँ नौकरी करो तो हम आपको रोटी देंगे, पता नहीं इतना पढ़ के भी मतलब किसको खुश करने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं, जैसे चीचा नेहरू को सपेरों का, अंग्रेजों को सपेरा ही दिखाना रहता था तो सपेरों का देश कहलाता था, ये एक प्रकार से ना मतलब लोगों के दिमाग में एक पुश करना चाहते कि तुम इतने दरिद्र थे अभी हमारे बराबर आ गए तो हमसे क्या ज़्यादा बात करोगे, इस प्रकार की इनकी मानसिकता, ये लोगों के मन में ये डालना चाहते हैं तुम तो अपंग थे अभी अभी चलना सीखे, कुछ दिन बाद दौड़ना सीखोगे तो अभी थोड़ा सा चलो, हम जैसे बता रहे वैसे जीवन जियो, आप तो इससे पहले तो सांस ले ही नहीं रहते, अभी ये सांस लेने की पद्धति बताएंगे और ये विश्लेषण करके बताएंगे आपको, तब आप समझोगे कि हाँ ऐसा था चीजें, अबे खुद पढ़ के समझने में क्या दिक्कत हो रही है तुमको, अगर तुम दूसरे के एनालाइज को तुम अपना सोच मान ले रहे हो तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं है, किसी व्यक्ति के प्रति है ये, ऐसा नहीं है कि ये उसके प्रति, गांधी जी एक व्यक्ति है,
तो धर्म नहीं है ना कुछ है कि धर्म की बातें आप उतना डीप नहीं जाते, तो एक अध्यात्म की बातें चलो समझाने में समझ आती है, लेकिन एक व्यक्ति का चरित्र समझने में कहाँ दिक्कत आएगी, हमें समझ नहीं आ रहा, उसकी बुक लिखी है सब कुछ है पढ़ ले, अब उसमें भी तुम अवलोकन नहीं कर पा रहे तो फिर तुम्हारे इतने पढ़ने लिखने होने का कोई मतलब नहीं है। एक काम करो, जाओ जनरल स्टोर, 1 रुपये की माचिस की डिब्बी आती है, पूरे अपने फाइल रखो, जला दो, ये सबसे अच्छा काम होगा आपके जीवन में, दूसरे से पूछना आग कैसे लगा बोलते, ठीक है? ये चल रहा है जीवन में, और लोग ज्ञान फेल रहे हैं। ठीक है भैया, आप फेल हो, लेकिन हमारे भारत को ना तो तुच्छ बताओ, ना तो ये बताओ, ना तो भूखे लंगों का देश बताओ, जो अंग्रेजों के यहाँ नौकरी कर रहे थे उस समय भी दोगले लोग थे, आज भी दोगले लोग हैं, तब कहीं कहीं भारत गुलाम हुआ था, ठीक है? दोगले लोग थे, भूखे रंगों का देश नहीं था, दोगले लोग थे बोल के अपने ही लोग अपने को साहब बुला रहे, चलो साहब बुला रहे तुमको, इस प्रकार की बात करते थे, मुखबिरी अपने ही लोग कर रहे थे, तो ये रोटी के लिए नहीं कर रहे थे, ये जमीर बेच के कर रहे थे, समझे? तो ये फ़र्क है जो ये अंग्रेजों के द्वारा एक इनको बताया गया है, तो वही जैसे मदर टेरेसा एक संत हो सकती है, तो वैसे आचार्य प्रसाद भी एक संत हो सकते हैं, ये प्रभु की लीला है, चल रहा है जीवन। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।